आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। कोरोना महामारी के जंग में योगी सरकार दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की जाँच में तेजी लाने के लिए 10 राजकीय और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में BSL-2 लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। BSL-2 लैब से इन 10 सरकारी और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR की जांच होना शुरू हो जाएगी। इससे जांच में भी तेजी आएगी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों की कोरोना जांच हो रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। इससे सहारनपुर के साथ ही मंडल भर के लोगों को फायदा होगा। सीएम योगी ने कहा है कि मंगलवार यानी 1 सितंबर से कोविड-19 का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। इसमें जिला प्रशासन को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग को डोर टू डोर सर्वे करना है। मुख्यमंत्री के ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन सभी मेडिकल कॉलेजों में किया गया था। अब तक इन जिलों में एंटीजन किट और ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच हो रही थी। बायोसेफ्टी लैब शुरू हो जाने से अब इन जिलों में RT-PCR जांच हो सकेगी, यानी 24 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मालखाना क्षेत्र में पवई बसंतपुर गांव में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। यहां एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मासूम का शव आज सुबह गांव से 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला है। वहीं हुई इस वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बता दें कि मालखाना क्षेत्र के मवई बसंतपुर गांव के रहने वाले किसान की बेटी कल शाम से लापता थी। परिवारजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद मंगलवार यानी आज सुबह मासूम का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही एसओ के मुताबिक मासूम की हत्या आरोपी ने कल रात ही कर दी थी। आरोपी पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। उसका अपनी पत्नी से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि उसने पत्नी से बदला लेने के लिए पड़ोसी की बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं आगरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके वारदात से फरार हो गया। वारदात हरदोई जिले के टरियावा थाना क्षेत्र कुआं मऊ सिमरौली गांव की है। जानकारी के मुताबिक कुआं मऊ गांव में एक आश्रम है, जिसमें एक महिला व 2 पुरुष रहते थे। बता दें कि आश्रम गांव से लगभग 500 मीटर दूर बना हुआ है। सोमवार देर रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे एक महिला और 2 पुरुष की ईंट पत्थरों से कूच कर हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर की सूचना टरियावा थाना को मिली तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में SP समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके वारदात स्थल पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं फॉरेंसिक विभाग ने वारदात स्थल से साक्ष्यों को कब्जे में लेकर 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। साथ ही अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई से है, जहां बिहानी कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट करने व पैसों के लालच में अधेड़ के हाथों बेचने की साजिश का आरोप लगाया। बता दें कि बिहानी कोतवाली इलाके के एक गांव निवासी एक युवती अपनी बहन के साथ, जो मौजूदा समय में हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा में रह रही, वह अपनी बहनों के साथ हरदोई पहुंची और उसने अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि वह 3 जुलाई से अपनी बड़ी बहन के साथ फरीदाबाद में रह रही है, क्योंकि उसके पिता जानवरों की तरह उसे मारते पीटते थे, साथ ही पैसों के लालच में अधेड़ व्यक्ति के हाथों बेचना चाहते हैं, जिस कारण वह अपनी बड़ी बहन के पास चली और वहीं रह रही है। युवती का आरोप है कि उसके पिता से ही उसे जान का खतरा बना हुआ है। उसके पिता ने न्यायालय के माध्यम से उसी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। वह युवती का आरोप है कि उसकी बड़ी बहन के साथ भी पिता का ऐसा ही सलूक रहा है। उसकी बड़ी बहन को भी बेचने का प्रयास किया जा चुका था, जिसकी सूचना बिहानी कोतवाली पर दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कपिल देव ने बताया कि प्रकरण की जांच महिला थाना प्रभारी व बिहानी प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई।
साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए एनएसए को गलत बताते हुए हटा दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील खान को जेल में डालना भी बुरा था। इसके साथ ही डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल में बंद है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस जी सिंह की खंडपीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की मां की अर्जी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा है। बता दें कि डॉक्टर कफील खान की पत्नी ने ट्विटर पर अपने पति की रिहाई को लेकर 4 अगस्त को एक मुहिम भी चलाई थी, जिससे लोगों का काफी समर्थन मिला था। डॉक्टर कफील की पत्नी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डॉक्टर कफील के समर्थन में गुहार लगा चुकी है। उन्हें कथित रूप से सीए के विरोध के बीच 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भड़काऊ बयान देने के लिए इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव। नमस्कार।